केजरीवाल जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे, इस पर फैसला आज। शराब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के साथ जारी तकरार के बीच बैठक में फिर नहीं आए जूनियर डॉक्टर। ममता बनर्जी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री पद की भूखी नहीं, लोगों के हित में इस्तीफा देने को भी तैयार। মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমি মন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক। अखिलेश यादव ने माफिया से की मठाधीशों की तुलना, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी को मठ मंदिर और मस्जिद में अंतर नहीं पता, साधु संतों ने भी किया विरोध। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। कश्मीर की बिजबेहटा सीट से चुनावी मैदान में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत। बोली, बीजेपी ने 370 हटाकर हमारी इज्जत छीन ली। बीजेपी का पलटवार। कहा, हवा पीडीपी के पक्ष में नहीं, इसलिए हताश है इल्तिजा। हमारी बका गई, हमारी इज्जत गई, हमारी इज्जत दाव पे लगाई गई। इल्तिजा मुफ्ती का ये बयान आना कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में अफगानी मूल के नादिर शाह नाम के शख्स की मौत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के थाने में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से हड़कंप, पूरे इलाके में गैस फैलने से परेशान हुए लोग। प्रशासन ने हालात पर काबू होने का दावा किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा और बबीता फोगाट के नाम शामिल। भारत चीन के रिश्तों पर स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, चीन के साथ समस्याओं में लगभग 75% का हुआ समाधान, लेकिन सीमा पर सैनिकों की संख्या का बढ़ना बड़ा मुद्दा। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए डोभाल ने पीएम ज़ेलेंस्की की मुलाकात की जानकारी दी। पुतिन ने 22 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में द्विपक्षीय वार्ता का पीएम मोदी को दिया न्योता। पेरिस पैरालंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। नवदीप सिंह से कैप पहनने के लिए नीचे बैठे पीएम, खिलाड़ियों ने पीएम का मतलब बताया परम मित्र। पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हमारे हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।